नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एक डेली स्टार्टर की वायरिंग करेंगे जिसमें हम MPCB का यूज़ करके स्टार्टर का वायरिंग करेंगे। इसमें लगने वाले सामान की अगर बात करें तो एक कंट्रोल MCB है, ठीक है। इसके बाद MPCB है जिसको मोटर प्रोडक्शन सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक MPCB का NO कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो साइड में लगा हुआ है ये इसका NO कॉन्टैक्ट है। और इसको कैसे निकालते हैं, इसको यहाँ पे प्रेस करते हैं, ठीक है। प्रेस करके इसको आप निकाले जाते हैं, ठीक है। ये देखिए प्रेस करके निकाल दिया, ठीक है। और वापस लगाने के लिए क्या करना है, नीचे स्लॉट दिया रहता है, सबसे पहले स्लॉट में आपको इसको फिक्स करना रहता है। तो चलिए वो भी करके मैं आप लोग दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो नीचे जो स्लॉट दिया है ना, उस स्लॉट में पहले बिठाना है और बिठाने के बाद में इसको प्रेस कर देना है, तो ये आपका MPCB लग जाएगा, ठीक है। देखिए MPCB आपका कंप्लीट लग गया। अब फ्रेंड, इसमें लगने वाले जो मटेरियल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक कंट्रोल MCB है, देन MPCB है, ठीक है। MPCB के अलावा इसमें आपका इसका साइड ब्लॉक या NO कॉन्टैक्ट होता है जिसमें NONC रहता है, एक कॉन्टैक्टर रहेगा और कॉन्टैक्टर के ऊपर में लगने वाला जो एक एडम ब्लॉक होता है, ठीक है, ये एडम ब्लॉक कहलाता है। और इसको कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं वो भी देख लेते हैं। ये L&T कंपनी का कॉन्टैक्टर है और उसका एडम ब्लॉक है। इसको लगाने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग दिया हुआ है ना वाइट में, वाइट कलर का, उसको प्रेस करना रहता है और ये जो स्लॉट है स्लॉट में बिठाना रहता है, ठीक है। इसको स्लॉट में बिठा के इसको नीचे साइड आपको प्रेस कर दीजिए, ये आपको लग जाता है। और निकालने के लिए वापस उसी स्प्रिंग को प्रेस करना रहता है और ऊपर खींचना रहता है। इसके अलावा हमको दो पुश बटन की ज़रूरत पड़ती है, एक स्टार्ट स्टॉप का, ठीक है। और इसके बाद में तीन इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ता है आपका, ऑन के लिए रेड, ऑफ़ के लिए ट्रिप, नहीं ऑफ़ के लिए ब्लू और ट्रिप के लिए अंबर का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मटेरियल हो दोस्तों। इस प्लेट को माउंटिंग प्लेट कहते हैं, ठीक है, और इसको MCB चैनल कहते हैं। और यहाँ पे जो PVC दिख रहा है इसको हम लोग PVC डक्ट कहते हैं, ठीक है। तो जब हम PVC डक्ट के द्वारा किसी स्टार्टर की वायरिंग करते हैं और केबल को इस डक्ट के अंदर छिपा देते हैं तो जो वायरिंग रहता है वो सुंदर दिखने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग पैनल बिल्डर जनरली जो है वो जब भी वायरिंग करता है स्टार्टर का तो वो PVC डक्ट का यूज़ करता है ताकि केबल सुंदर दिखाई दे। चलिए अब इसका वायरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो वायरिंग में सबसे पहले क्या करना है, आपको कंट्रोल MCB से सप्लाई लेना है और वो सप्लाई को जो MPCB का जो NO पॉइंट है वहाँ से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और वहाँ से आउट होगा वो आपका स्टॉप पुश बटन आएगा। तो चलिए इसका वायरिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने फेस वायर लिया और फेस वायर को MCB के आउट पॉइंट से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उसको MPCB के जो NO पॉइंट है और जो NC पॉइंट है वहाँ पर कनेक्ट करूँगा, ठीक है। अब नीचे वाला पॉइंट जो है वो NC पॉइंट है और ऊपर वाला जो पॉइंट है NO पॉइंट है, ठीक है। तो उन दोनों को मैं फेस सप्लाई दे देता हूँ। तो नीचे वाला जो NC पॉइंट है उसका यूज़ मैं ट्रिपिंग के लिए यूज़ करूँगा और जो NO पॉइंट है उसका यूज़ मैं आपका NO पॉइंट का यूज़ जो है कंट्रोल हेल्थी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। नीचे वाला जो पॉइंट है उसको ट्रिपिंग के लिए यूज़ करूँगा। सो ट्रिपिंग वाले जो इंडिकेशन लैंप है उसमें मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने कनेक्शन इसका कर दिया। अब NO से जो वायर निकलेगा उसको हम स्टॉप पुश बटन के से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका वायरिंग कर लेते हैं। ये वायर को मैं ड्रेसिंग कर लेता हूँ और ड्रेसिंग करके स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट कर देता हूँ। स्टॉप पुश बटन से मैं दो केबल कनेक्ट कर रहा हूँ, एक जो केबल है वो स्टार्ट पुश बटन में चला जाएगा और दूसरा जो केबल है आपका होल्डिंग के लिए चला जाएगा, ठीक है। स्टार्ट पुश बटन से जो वायर निकलेगा वो आपका कॉन्टैक्टर कॉइल में चला जाएगा। इस प्रकार से जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे कॉन्टैक्टर में सप्लाई चला जाएगा और कॉन्टैक्टर कैसा हो जाएगा, वो पिकअप कर जाएगा, ठीक है। बट होल्डिंग नहीं होगा। होल्डिंग के लिए क्या करना रहता है, एक अलग से वायरिंग होती है जिसको होल्डिंग वायरिंग कहते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। स्टार्ट पुश बटन से वायर को निकाल के अब कॉइल में लगा दूंगा, है ना, A1 में लगाना है। होल्डिंग के लिए क्या करते हैं कि जो कॉइल में जो सप्लाई रहता है उसी सप्लाई को हम लोग कॉन्टैक्टर के NO में डाल देते हैं, ठीक है। अब एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं कंट्रोल वायरिंग कैसे किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंट्रोल MCB से जो सप्लाई मैंने लिया है वो कहाँ पे डाला है, आपका जो MPCB है उसके NO पॉइंट में डाला है, ठीक है। और वहाँ से जो आउट हुआ है वो कहाँ गया, स्टॉप पुश बटन में गया है। स्टॉप पुश बटन से जो आउट हुआ है वो कहाँ गया है, स्टार्ट पुश बटन में गया है, ठीक है। और स्टार्ट पुश बटन से जो आउट हुआ है वो आपका कॉन्टैक्टर के कॉइल में यानी A1 में गया है। और जैसे ही इसमें न्यूट्रल सप्लाई हम लोग कनेक्ट करेंगे ये हमारा कॉन्टैक्टर कैसा हो जाएगा, ये प्रेस करने पे एनालाइज हो जाएगा यानी ऑन हो जाएगा, ठीक है।
होल्डिंग के लिए क्या करते हैं, स्टॉप पुश बटन का जो आउट पॉइंट है या स्टार्ट पुश बटन का जो इन पॉइंट है वहाँ से एक केबल लेते हैं और जो मेन कॉन्टेक्टर है उसके जो एनो है वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और एनो के सेकेंड पॉइंट से जो वायर निकलता है उसको क्या करते हैं, कॉइल से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब भी ऑपरेट होगा इस स्टार्ट पुश बटन से सप्लाई जाने के बजाय आपका एनो से हमारे जो कॉन्टेक्टर उसको कंटिन्यू सप्लाई जाता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा वायर जो है, ये जो वायरिंग है वो किसका हो जाएगा, होल्डिंग की वायरिंग हो जाएगा। तो चलिए अब होल्डिंग का वायरिंग कर लेते हैं। पुश बटन में मैंने ऑलरेडी डबल केबल डाल दिया था, उसका वायरिंग मैं कनेक्ट कर देते हैं एनो से। तो ये हमारा होल्डिंग का वायरिंग हो गया। तो इस न्यूट्रल को A2 में कनेक्ट कर देता हूँ और यही न्यूट्रल मेरे को इंडिकेटर में ज़रूरत पड़ेगा। सो अलग से वायर मैं उसमें कनेक्ट कर देता हूँ आपका A2 पे। न्यूट्रल का कनेक्शन मेरे को इंडिकेटर में जरूरत पड़ेगा, सो इसको लूप करके मैं इंडिकेटर में कनेक्ट कर देता हूँ। तो ट्रिपिंग का मैंने तो वायरिंग कर दिया था, MPCB का जो नॉर्मल एनो वाला जो पॉइंट है वहाँ से कनेक्ट कर दिया था। ऑन और ऑफ इंडिकेशन का नहीं हुआ, तो ऑन और ऑफ इंडिकेशन का क्या करेंगे, जो मेन कॉन्टेक्टर है उसके NC से ऑफ के लिए यूज़ करेंगे और इसके एनो से ऑन के इंडिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका भी वायरिंग कर देते हैं। तो सबसे इसमें आपको ध्यान देना है कि जो फेस सप्लाई लेंगे वो आपका स्टॉप पुश बटन का जो फेस है ना वहाँ से लेना है, क्योंकि एनो और NC दोनों में मेरे को फेस सप्लाई देना है। सो दोनों से मैं लूप कर दूंगा और आउट को इंडिकेटर में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इंडिकेशन वायरिंग बहुत सिंपल है, वो मैंने वायरिंग कर दिया है। अब इसको ऑन करके देखते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑन करने पे रेड इंडिकेशन ऑन का इंडिकेशन है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ऑफ़ करने पे आपका ग्रीन का जलना चाहिए, जो ग्रीन अभी जल नहीं रहा है उसको चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसमें न्यूट्रल को प्रॉब्लम था, अभी चालू हो जाएगा, जैसे ऑन करेंगे हम लोग देखें ऑन करने के लिए चालू ऑफ इंडिकेशन जल रहा है, ठीक है। स्टार्ट करने पे ऑन का इंडिकेशन जला और इसको ट्रिप कर के देखते हैं, जब ट्रिप करेंगे तो ट्रिप का इंडिकेशन जलना चाहिए, है ना। देखो ट्रिप इंडिकेशन जल रहा है। अब वायर को ट्रेसिंग कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे दिखने में। वायर को ड्रेसिंग करने में वायर का जो जाल दिख रहा है वो आपका छुप जाता है और वायरिंग थोड़ा सुंदर लगने लगता है। यहाँ पे मैंने टेप लगा के रखा है ताकि इंडिकेटर को स्टेबल कर सकें। सो टेप को निकाल के स्टेबल कर देते हैं, इसको चिपका देते हैं ताकि इंडिकेटर ठीक ठाक अच्छे से दिखाई दे। इंडिकेशन में सबसे पहले रेड का इंडिकेशन है, ऑन का रहता है, देन ऑफ का रहता है और उसके बाद ट्रिप का इंडिकेशन रहता है, ठीक है। सो मैंने रेड, ब्लू और अंबर का इंडिकेशन मैंने लाइन से लगा दिया है। अब सभी डक्ट को लगा देते हैं और इसके बाद इसको स्टार्ट स्टॉप करके देखते हैं। देखिए अभी वायरिंग का जो जाल है, वायर का जो जाल है बहुत कम लग दिख रहा है, इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से वायरिंग इस प्रकार से करते हैं। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को MPCB से जो ड्यूल स्टार्टर है उसकी वायरिंग कैसे करते हैं उसकी कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा, जिसमें स्टार्ट स्टॉप और ट्रिपिंग का इंडिकेशन भी हम लोग यूज़ किया है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।